ਅਦਾ ਕਰਾ ਪਸੋ ਸੋਦਾ ਮਾਮਾ ਦਾ ਪਸੋ ਵਾਇ ਕੀ ਦਿਸਾ ਦਾ ਟੂ ਪੀਸ 3000 ਕੇ ਬਾਈ 3000 ਕਾਰ ਸ਼ਾਈ ਵਾਨੇ ਕਰ ਵੀ अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ सदर बाज़ार। और जी, मैं घर से तकरीबन 11 बजे सुबह के निकल गई थी, क्योंकि मुझे आइडिया होता है कि इस टाइम रश वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता। बस हम रिक्शे में बैठ गए थे, यहाँ फुआरा चौक में हम उतर गए हैं। अच्छा, सदर काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सड़कें मरके पार्किंग की जगह बन चुकी है। और ये फुआरा चौक के बिल्कुल सामने जो सारी गली है, ये फूड स्ट्रीट गली है। मतलब शाम के टाइम यहाँ पर हर कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। बस मैं इंटर हो गई हूँ, ये गोरा बाज़ार की गली नंबर 2 है, यहाँ पर मैं इंटर हो गई हूँ। अच्छा जी, मैं किस लिए आई हूँ? मुझे एक चाहिए था, एक ब्राइडल सेट के साथ मुझे एक झूमर रोटी का चाहिए था। मैं वो देखने के लिए आई थी। अपने लिए 2 प्लेन सूट मैंने लेने थे, जो मरीना टाइप के सूट होते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग का जाना है, अटक जाने का प्रोग्राम है मेरे अबू के घर। तो उसके लिए मुझे घर में पहनने के लिए कुछ सिंपल से सूट चाहिए। तो बस अभी मैं गोरा बाज़ार में यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे जो जिस लेने के लेने में आई थी वो मुझे मिलते हैं कि नहीं। तो गोरा बाज़ार में जितनी भी बड़ी बड़ी ज्वेलरी की शॉप है, जो जिनके पास आर्टिफिशियल काफ़ी अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है, उनके पास जो मुझे चाहिए था उस तरह के डिज़ाइन नहीं थे। हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि ऑर्डर पे अगर आप लोग बनाना चाहें तो हम बनवा लेंगे। खैर, अब इस बात पर हम सोचेंगे, अगर बनाना होगा तो हम इन्हीं को ऑर्डर दे देंगे। बस मेरा तो यहाँ पर यही काम था, ज्वेलरी का काम था, बाकी कुछ इतना ख़ास नहीं था। अभी मुझे कपड़े जो लेने थे तो वो मैं जाऊँगी शफी मार्केट, जहाँ पर कपड़े वगैरह मिलते हैं, क्योंकि गोरा बाज़ार में तो कपड़ों की शॉप नहीं। यहाँ पर तो आप लोग को शॉल वगैरह और इस तरह की ज्वेलरी वगैरह छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती है। बस अब सीधे ही मैं चली जाऊँगी जहाँ पर मुझे लेने हैं कपड़े। और आधे घंटे बाद ही काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। बस अभी मैं देख लूँगी अपने लिए कपड़े। यहाँ पर 1-2 शॉप थी जिनके पास ज्वेलरी थी, इनके पास मैं खड़ी हो गई थी। यहाँ पर मैं देखती हूँ, उनसे मैंने पूछा है, इनके पास भी नहीं थे। ना बोटल छी ना काट रही मरी ना देना काटते ना काट रही मरी ना दवा को मरी ना दा दस बगादल खर डबल दन ना दादर कमर ना ना कुत्ते। इस तरह के सिंपल मरीना के सूट आप लोगों को सदर में काफ़ी मिल जाते हैं, और कीमतें भी अच्छी हैं। 1800 की लोग कहते हैं, फिर 1500 की देते हैं, अगर आप लोगों को काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग आती है तो 1200-1300 की भी दे देते हैं। तो खैर, मैं एक दुपट्टा भी अपने साथ लेकर आई थी, उसके साथ भी देख रही थी। उसके अलावा भी मैं एक दूसरा कलर चेक कर रही थी जो उनसे मुझे अच्छा लगेगा। कपड़ा भी अच्छा था इनका, मोटा कपड़ा था। दा ग्री दे पके दा पके खोले कलर दे और दा पसो बाने दा टू पीस दा महल का रंग दे तेज रंग ने माशा जी भाई दा पसो बाने टू पीस दा टू पीस 3000 के भाई 3000 के कार ट्राई बाने कर रहे हैं कार ट्राई बरीजे माने कार शो दे भाई जी बरीजे पे केम ना आओ कम दा वाखल दा सुन दा दो स्टॉप पाता सुन सुन दा खोले दे के दा रंग आली दा खोश थिंक की गिन कना दे बदल दा वाशी बाल शिमी ने बाजे मुचे कला कांस लंबा तो ले दो बस सुन दा खोले दा कम मार्केट दे दा पिराला मार्केट नूर पाकिस्तो कम कलर उने शोको तो दुनिया पे जाने दा ब्लू पाकिम दा दा ब्लू दा पके दा ब्लैक हम दे पके दा ब्लू दे पके दा का ब्लू के लोगो है दा ब्लू रख पले ब्लू दे दा दिल खस तो सुते बा थोड़ा वाला दा दो जोड़े खाई दा है दा हरे के बड़ा मेरा कर सो रेट के जोड़े को दिल रख पले दे मशन दा वो वर्क है पसो जा देखिए वो सूट बलम का दिस दिस स्किन के बाजी दा ना 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 और मंग मंग ता तो गलत है ना दर को बाजी
और मेरी बेटी की बात के सेल तो कभी ख़त्म होनी होती, जब भी हम सदर बाजार आते हैं तो हर कोई चीख रहा होता है सेल सेल सेल, इतनी सेल कहाँ किस चीज़ पे उन्होंने लगाई होती है और ख़त्म ही नहीं होती। बस हमारा थोड़ा बहुत काम था वो हम लोगों ने कर लिया है, जिस काम के लिए मैं गई थी वो तो मुझे मिला नहीं। हाँ अपने कपड़ों के लिए मैं गई थी तो वो मुझे मिल गई थी। अच्छा मेरे पास इस तरह की एक शॉल थी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त शॉल है, सारे का सारा इसके ऊपर हाथ से काम हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसको 2-3 साल हो गए कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसका जो मैंने पहला सूट बनाया था वो जेकार्ड का था और ग्रीन कलर का बनाया था, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जब भी मैं पहनती थी तो तारीफ़ ही होती थी। और ये शॉल तो ना मैंने धोई है, बस 1-2 दफ़ा ही मैंने पहनी थी, तो अभी मैं सोची थी कि इसके साथ मैं कुछ प्लेन शॉल ले लेती हूँ, तो इसके में कलर भी काफ़ी ज़्यादा थे, कोई भी कलर मतलब इसके साथ मैं मैच कर रही थी। फिर मैंने फाइनली इसके साथ पिंक कलर का, इस तरह पिंक कलर का सूट मेरे पास नहीं था, तो ये फिर मैंने मरीने का सूट लिया है और ये मैंने 1400 रुपये का सूट लिया है। फुल बड़ा सूट है, अच्छा कपड़ा भी थोड़ा बहुत मोटा है, ये आप देख सकते हैं कि इस शॉल के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये सारी वही मार्केट्स है जहाँ पर खद्दर के आप लोगों को टू पीस मिल जाते हैं, मतलब शिनवारी मार्केट, पीरालम मार्केट, इन्हीं मार्केटों में आप लोगों को इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। प्लेन खद्दर में भी इस तरह के सूट होते हैं और मुझे लीलन की भी थे, खैर लीलन थोड़ा पतला होता है, सर्दियों की बनस्बत मुझे ज़रा मरीना टाइप चाहिए था। ऐसे वैसे मुझे हूल वाले कपड़े भी अच्छे लग रहे थे, वो इंशाल्लाह मैं शाहीन बाज़ार में देखूँगी, क्योंकि यहाँ पर लाट वाले कपड़े अक्सर आते हैं, उनके पास हूल वाले कपड़े गर्म होते हैं। अच्छा एक मैंने ये वाला सूट लिया है, दोनों खैर मैच तो नहीं कर रहे, एक कुछ पर्पल कलर है एक पिंक का कलर है, ये भी इसी के साथ मैच हो रहा है, या तो फिर मैं वो बना लूँगी या तो फिर मैं ये बना लूँगी। और ये दोनों सूट फिर 1-2 दफ़ा मैं बाहर पहन लूँगी, उसके बाद फिर घर ही में पहने जाएंगे, मतलब घर के लिए प्लेन सूट लिए हैं मैंने, अच्छे मुझे लगे, कीमती भी अच्छी थी, मुनासिब थी। अच्छा ये बीच में मैंने ये कुछ लेस वगैरह लिए जो सेंटर पे लगा लूँगी, कुछ डिज़ाइनिंग कर लूँगी, बटन्स वगैरह ले लूँगी, अब टेलर को मैं दूँगी क्योंकि 1 हफ़्ता है मेरे पास ताकि 1 हफ़्ते में सिल जाए। अच्छा सबसे अच्छा मैंने जो आज शॉपिंग में अच्छी की है वो मैंने ये 2 शॉल लिए हैं, ये शॉल ज़बरदस्त शॉल है। सॉरी मैं कार्ड लेना बिल्कुल भी भूल गई थी, क्योंकि जब हम इस शॉल पर गए थे उस वक्त रश नहीं था और थोड़ी देर में इतना ज़्यादा रश हो गया था कि बस फिर जगह भी नहीं थी खड़े होने के लिए। तो ये 2 शॉल है, ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और कलर भी बहुत प्यारे प्यारे थे, कुछ ही इसमें कलर थे। तो लेना तो मुझे 1 था मगर जब फिर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने 2 ले लिए और अब मैं सोचूं कि 1-2 और में और भी ले लूं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कभी कभी मिलती हैं, हर टाइम आपको नहीं मिलती। एक मैंने ये वाला कलर लिया है, ये आप देख सकते हैं कि इस सूट के साथ ये वाली शॉल बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो इस तरह की अगर आप लोग के पास शॉल वगैरह पड़ी होती है तो फिर सूट लेना आसान हो जाता है, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है और शॉल भी बहुत प्यारी है। तो ये सूट मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये सूट मैंने कैसे बनाए हैं और ये शॉल अभी मैंने पहनी है, पहन के भी आपको मैं दिखा रही हूँ, मतलब पहने हुए मैंने देख ली थी कि फिसलती तो नहीं है, ना ही फिसलती है ना ही भारी है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नरम मुलायम शॉल है। और घर में भी इस तरह की शॉलें अच्छी लगती हैं, जैसे मैंने ये अब उतारी है, मैंने पहनी हुई थी, ये भी काफ़ी गर्म है। खैर ये तो स्वाद की शॉल है, इसके ऊपर भी इस तरह का हाथ का काम हुआ है, तो अक्सर आप लोग के घर के जो सूट होते हैं 2 पीस होते हैं या फिर 3 पीस भी होते हैं, मगर फिर भी उनकी चादरें वगैरह अगर ठंड आपको लगती है तो मुझे तो इसमें इजी लगता है, मैं तो इस तरह की शॉलें घर में पहन लेती हूँ। तो बस जल्दी से मैं शॉलें भी देख रही थी, आप लोग को शॉपिंग भी दिखा रही थी और आते साथ ही मैंने अपने लिए बना लिया था साग। साग खाने को मेरा दिल था, मतलब मैंने रात को बोनलेस चिकन बनाया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं साथ में और क्या बना लूँ, और घर के पास कुछ सालन वालन मिलता है तो वहाँ से हम थोड़ा बहुत सालन मंगवा लेंगे। तो बस ये मैंने प्याज सुरख लिए, बीच में मैंने टमाटर लिए थे और जो पालक साग है वो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, काट के धो के रखा हुआ था। इस तरह ईजी हो जाता है जब आप लोग कहीं शॉपिंग भी जाते हो, बाहर जाते और आते और सोचते हो कि अब क्या किया जाए, तो इसी तरह आसान होता है। बस यहाँ पर मैंने साग डाल दिए, मसाले डाल दिए थे, अब थोड़ा सा पानी डालकर इसके ऊपर मैं ढक्कन रख लूँगी, क्योंकि साथ साथ अभी मुझे नमाज भी पढ़नी है, आप लोग को भी शॉपिंग भी दिखा रही थी, बच्चों को स्कूल से भी आना था। और पता नहीं कि हमारे घर की लाइट्स को क्या हो गया, जो भी लाइट्स ऑन करते हैं तो जल जाती है, या तो शायद हमारे मैन कुछ बिजली में कुछ फ़र्क वगैरह, अभी इसको भी ठीक करना है। और ये जूते मेरी बेटी ने अपने लिए वैसे ही सिंपल ले लिए थे, वैसे ही मतलब कहीं जैसे अब हम अटक जा रहे हैं वहाँ पहनने के लिए, वो उसने इस तरह के ले लिए, इसकी भी शॉप्स वहाँ पर थी, मतलब काफ़ी वैरायटी के पास होती है, 1000 से लेकर 1500 रुपये की रेंज तक आपको अच्छे से अच्छे शूज़ मिल जाते हैं। तो बस ये शूज़ थी और ये सारी की सारी मेरी शॉपिंग थी। और यहाँ पर मैं किचन में दोबारा चली जाऊँगी, देखती हूँ कि साग मैंने जो पानी डाला था वो खुश्क हो गया कि नहीं, क्योंकि 2 बजे गैस भी चली जाएगी, मतलब ये मसले कुछ ना कुछ मसले होते हैं जब बाहर घर से बाहर जाती हूँ तो पीछे सारा घर इसी रह जाता है। बस यहाँ पर हम लोगों ने चने की दाल मैंने मंगवा ली थी, साथ में करूल मंगवा ली थी और ये बोनलेस चिकन मैंने रात को बनाई थी, और साग तो अभी मैंने आप लोगों के सामने ही बनाया है, बस बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, अभी हम बैठ के खाना खा लेंगे, गरम गरम खाना है। अगर आप लोगों ने भी खाना है तो आ जाए, और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।